रेवाड़ी शहर की सड़कों की हालत कितनी बदतर हो चुकी है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर की मुख्य मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े शिवालकाय गड्ढे बन गए हैं। ऊपर से मानसून सिर पर है जिसकी वजह से लोगों को हादसों का डर सता रहा है, लेकिन ना तो प्रशासन का और ना ही विभाग का इसमें कोई ध्यान है, जिस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़कें टूटने की मुख्य वजह विप्रजय तूफान और उससे पहले हुई हल्की बारिश के कारण हुए जलभराव और सड़क बनाने में इस्तेमाल की गई हल्की क्वालिटी की सामग्री है, जिस कारण सड़कें टूटकर जर्जर हालत में पहुंच गई हैं। रेवाड़ी दिल्ली रोड पर वैदिक आश्रम के पास पानी निकासी नहीं होने के कारण थोड़ी सी बरसात में ही पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण सड़कें टूट जाती हैं। सड़कें टूटने के कारण उनमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और बारिश का पानी गड्ढों में भरने से वाहन चालकों को ये दिखाई नहीं देता और हादसे हो जाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून से पहले सड़कों की अगर ये हालत है तो बारिश आने के बाद क्या हालत होगी। ये तस्वीर अकेले दिल्ली रोड की नहीं बल्कि पूरे शहर का यही हाल है। पॉश इलाके, ब्रॉस मार्केट, सेक्टर 4, सेक्टर 3, सर्कुलर रोड, गोकल गेट, रेलवे रोड, बावल रोड आदि सभी जगहों पर सड़कें जर्जर हालत में पहुंच गई हैं। सड़कों में से रोड़ियां निकल रही हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि रेवाड़ी की सड़कें हमेशा से ही खस्ता हाल रही हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं भी बारिश के पानी की सही तरीके से निकासी नहीं है, जिस कारण सड़कों पर पानी भरता है और सड़कें टूटती हैं। प्रशासन की ओर से ना तो इन्हें बनाया जा रहा है और ना ही इन पर कोई पैचवर्क का काम किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले मानसून की बारिश के कारण लोगों को हादसों की चिंता सता रही है। हमने सेक्टर 4 की समस्या, सड़क की बदहाल सड़क का समस्या उठाई है और ब्रास मार्केट की सड़क देख लो, दिल्ली रोड की सड़क देख लो, कहीं भी चले जाओ इतने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि रोजाना हादसे हो रहे हैं। जबकि सरकार को इनको ठेकेदारों के बोर्ड लगाने चाहिए कि जिस ठेकेदार ने बनाई है उसके नाम नंबर होने चाहिए, उनके ऊपर FIR होने चाहिए। घटिया सामग्री किस प्रकार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी मिली भगत है और परेशानियों का सामना करना पड़ा है आम जनता को। आम जनता टैक्स देती है सब चीज़ों में करती है, लेकिन उनको बदले में कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। एक साल तक भी सड़क, जब 5 साल का टेंडर होता है इनका, एक साल से पहले 2-3 महीने में सड़क की घटिया उड़ जाती है। तो सरकार को जगाने के लिए रेवाड़ी शहर की जहाँ जहाँ की सड़कें हैं या इसके अलावा और भी जो समस्या है उनको भी उठाने का, वो सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार एक गहरी नींद में सोई हुई है। एक विपक्ष के नाते सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी आ जाए, हो सके इन जन समस्याओं को दूर करे। अब मानसून आने वाला है, बादलों बरसात के अंदर गहरे गड्ढे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा गड्ढा कहाँ है, तो बहुत बुरी व्हीकल वगैरह पलट जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे उनको परेशानी होगी, तो सभी लोगों की परेशानी है इन चीज़ों। अब ब्रास मार्केट है, ब्रास मार्केट में पूरे आसपास के गांव के लोग जाते हैं, कोचिंग सेंटर है, होटल है, संस्थान है, बड़े बड़े शोरूम है, वहाँ से लोग आते हैं, क्या रेपुटेशन रह जाती है हमारे शहर की बताओ। तो सरकार बिल्कुल, इनके रोजाना मंत्री, विधायक, पदाधिकारी रोजाना घर से गुजरते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोए हुए, इनको नशे में इतनी, सत्ता का नशा इतने इतने चूर हो चुके हैं, इनको जन समस्या दिखाई नहीं देती। उनको जगाने के लिए आज हम एकजुट हुए हैं और हम सरकार को जगाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, योगा क्लास लेंगे, अलग अलग माध्यम से सरकार को चेताने का काम करेंगे और जन समस्याओं को दूर करवाने का पुरजोर कोशिश करेंगे। हालांकि DC ने मानसून से पहले सभी टूटी हुई सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश दिए हैं, बावजूद इसके विभाग की ओर से अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है। ऐसे में मानसून के सीजन में जब तेज बारिश होगी तो इन टूटी सड़कों में बने गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को ये दिखाई नहीं देगा और हादसे होंगे, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा। सत्य खबर के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।